हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं हूँ पीआर भारती और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताऊंगा बिहार पैरामेडिकल जो इंटर स्तरीय एग्जाम लेता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसका सिलेबस क्या है। तो आइए दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल इंटर स्तरीय प्रवेश परीक्षा 2020 का सिलेबस क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले आप यह जान लीजिए कि कुल कितने विषयों से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल 5 विषयों से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है सामान्य विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान अर्थात जीएस। जीएस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, अर्थात कुल मिला के आपको 125 नंबर का प्रश्न रहेगा सामान्य विज्ञान से। आगे है फिर सामान्य ज्ञान, यानी कि इसको हम लोग जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं। इससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलता है, अर्थात कुल मिला के आपको 100 अंक निर्धारित है सामान्य ज्ञान के लिए। आगे फिर है तीसरा गणित। गणित से सिर्फ 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी कि कुल मिला के 75 अंक के गणित रहेगा। आगे है फिर हिंदी। हिंदी से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी कि कुल मिला के आपको 75 अंक मिलेगा हिंदी से। और आगे है अंग्रेजी। अंग्रेजी से भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और कुल मिला के आपको इससे 75 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या हो जाता है 90। कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या हो जाता है 90। और दोस्तों, इससे आपको कुल अंक मिलेगा 450, यानी कि 450 अंकों का एग्जाम होगा। 90 प्रश्न 450 अंकों का होगा और इस 90 को क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम देगा। कितना देर का टाइम देगा? तो टाइम देगा आपको 2 घंटा 15 मिनट का। तो यही था दोस्तों बिहार पैरामेडिकल इंटर स्तरीय जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस। धन्यवाद।